Hello friend, myself Dr. B.G. Shukla, and today I discuss an important topic of mathematics, important topic of complex analysis and which is conformal mapping. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में. मैपिंग का मतलब होता है एक की इमेज एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में इमेज करना, उसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ फंक्शन. एक पॉइंट को दूसरे प्लेन पर, एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर ले जाना, तो वो मैपिंग नॉर्मली होती है. कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट दैट विद एन एग्जांपल. तो देखते हैं किन मैपिंग को हम लोग बोलेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग. तो सबसे पहले कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन देख लें. ए मैपिंग विच प्रिजर्व A mapping which preserves angles both in magnitude and sense. A mapping which preserves angle both in magnitude and sense between every pair of curve through a point is conformal at that point. कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन आर सिनोनिम्स. ए मैपिंग, कोई मैपिंग विच प्रिजर्व एंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कर्व थ्रू ए पॉइंट इज कन्फॉर्मल एट दैट पॉइंट. कोई भी मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग होगी या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल होगा अगर कोई पेयर ऑफ कर्व्स के बीच का जो एंगल है उसका मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पर, कोई पेयर कोई कर्व्स के बीच का एंगल है उसका मैग्नीट्यूड और सेंस जैसा एक प्लेन में था वैसे ही दूसरी प्लेन में होगा, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन या उस मैपिंग को बोलेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग. डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है. जरा एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं जो कि किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे कन्फॉर्मल. आपके पास दो प्लेन यहां बनाते हैं, दिस इज जेड प्लेन, इसको बोलेंगे जेड प्लेन एंड दिस इज डब्ल्यू प्लेन. ये जेड प्लेन है तो यहां पर हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस. ये W प्लेन है तो ये U हो जाएगा और ये V हो जाएगा. मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहां पर P है X नॉट कामा Y नॉट, और इस पॉइंट पर कोई भी दो कर्व दे रखे हैं. ये पॉइंट P है और ये दो कर्व दे रखे हैं, एक कर्व C1 है एक कर्व C2 है. यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और इस कर्व के थ्रू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो ये एंगल है ये थीटा होगा. ऐसे यहां पर भी ये कोई पॉइंट हम लेते हैं P डैश है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे U नॉट कामा V नॉट, क्योंकि ये UV एक्सिस दे रखा है W प्लेन पर. यहां पर भी कोई हम कर्व ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये C1 डैश और ये हो जाएगा C2 डैश, इनमें भी टेंजेंट लेते हैं और ये एंगल देखते हैं थीटा. तो इन दोनों बीच का कर्व, जैसे जेड प्लेन में कर्व ये ओ है यहां पर, तो यहां पर बन जाएगा ओ डैश. तो आप देखें कि इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल जो है सेम वही यहां पर भी है, इस प्लेन में भी है. जो जेड प्लेन में कर्व का एंगल है वही उन दोनों कर्व का सेम एंगल यहां पर भी है. मैग्नीट्यूड में मीन्स वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, या कहें सेंस भी सेम है, मींस जहां पे इंड हो रहा है वो भी सेम है.
जिस डायरेक्शन से एंगल मेजर हो रहा है वो भी सेम है, इसलिए इस टाइप की जो हमारे पास मैपिंग होगी उस मैपिंग को बोलेंगे कंफॉर्मल मैपिंग। मीन्स जेड प्लेन की जो इमेज है डब्ल्यू प्लेन में आप देख रहे हैं सेम एंगल है, एंगल का मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों सेम है, इसलिए इस टाइप के जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा या इस टाइप का जो मैपिंग होगी उसी मैपिंग को हम बोलते हैं कंफॉर्मल मैपिंग। बेसिकली इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इसकी कुछ कंफॉर्मल मैपिंग की सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आते हैं, सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंफॉर्मल मैपिंग, बट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंफॉर्मल मैपिंग या सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सेम सेंस में है, जो मैपिंग का सेंस है वही ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो सम एलिमेंट्री या तो ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग लिखें, सम एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो कन्फॉर्मल मैपिंग मैनी टाइप्स की होती है, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की कन्फॉर्मल मैपिंग हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं को सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कह रहे हैं जो कन्फॉर्मल मैपिंग के थ्रू आते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन। तो सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में होता है W इक्वल्स टू जेड प्लस सी, वेयर सी इज कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, जहां पर सी जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है जेड प्लेन की इमेज W प्लेन में क्या होगी उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन मींस मैपिंग में जेड प्लेन की इमेज डब्ल्यू प्लेन में कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वही हम ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व शेप एंड साइज। तो जो ये ट्रांसलेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसलेशन वाली मैपिंग है, इस मैपिंग में जो कोई भी फिगर होगा, कोई भी डोमेन होगा, उसका जो शेप जेड प्लेन में होगा सेम वही जो शेप होगा वो डब्ल्यू प्लेन में होगा। शेप और साइज प्रिजर्व रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि सेम हो सकता है कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, लेकिन उनका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर आप बात करें जेड प्लेन की, तो ये जेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, और ऐसे यहां पर है ओ डैश, ये यू है, ये V है और ये W प्लेन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम जेड प्लेन की इमेज को W प्लेन में चेक करते हैं। ट्रांसलेशन है तो मान लिया कोई एक रिक्टेंगल दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है यहां पर होगा y इक्वस टू जीरो, यहां पर है y इक्वस टू टू, यहां पर है x इक्वस टू जीरो और यहां पर है x इक्वस टू थ्री। तो ये एक रेक्टेंगल दे रखा है डब्ल्यू प्लेन में, इस टाइप का रेक्टेंगल है। यहां पर देखें, ये आपके पास जेड प्लेन में है और यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो वी इक्वस टू होगा टू से लेकर वी इक्वस टू थ्री तक और वी इक्वस टू फोर तक, और
ये 4 है यहां पर, और u इक्वल टू यहां पर होगा 1 से लेकर u इक्वल टू 4 तक। तो शेप और साइज बिल्कुल बराबर है दोनों। यहां पे x के कोऑर्डिनेट में 3 का डिफरेंस है, यहां पर भी 3 का डिफरेंस है, y में 2 का डिफरेंस है, तो v में यहां पर 2 का डिफरेंस। मीन्स दोनों रेक्टेंगल सेम है, लेकिन यहां पर पोजीशन इनकी डिफरेंट है। यहां पर ओरिजिन से लगता हुआ इस टाइप का है और यहां पर ये इस टाइप का है। तो अगर केवल पोजीशन में चेंज होता है, मीन्स पोजीशन में चेंज होता है लेकिन शेप और साइज में चेंज नहीं होता, तो उस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो कुछ क्वेश्चन इस पर करेंगे, ट्रांसलेशन पर इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे हम आगे क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये समझ ले कि ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें शेप और साइज तो डिफरेंट सेम रहता है, प्रिजर्व रहता है, बट जो पोजिशन है वो चेंज हो सकती है। तो उस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, उनको जरा ध्यान से देखें और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि उसमें ट्रांसलेशन किस टाइप का हो रहा है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। क्वेश्चन नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। लेट ए रेक्टेंगुलर डोमेन R be bounded by x equals to 0, y equals to 0, comma x equals to 2, y equals to 1. Determine the region R dash, of W plane into which R is mapped. Under the transformation, under the transformation, W equals to Z plus 1 minus 2i। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करें और इसको सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन जरा ध्यान से एक बार देख लें। लेट ए रेक्टेंगुलर डोमेन R, R कोई रेक्टेंगुलर डोमेन है, मीन्स कोई रेक्टेंगल है जो कि जेड प्लेन में है, बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, कामा y इक्वल टू 1, इससे बाउंडेड है। डिटरमाइन द रीजन R डैश, कह रहा है जेड प्लेन का रीजन दे रखा है, तो W प्लेन का रीजन R डैश क्या बनेगा, into which R is mapped under the transform। अगर इस transformation के through R को match किया जाता है, means W की हर एक value बराबर होती है Z plus 1 minus 2i के, तो हम कहेंगे कि Z plane में जो rectangle दे रखा है, Z plane में जो domain R है, जिसको कह रहे हैं ये rectangle है, वो W plane में क्या बनेगा, कैसे transformation होके जाएगा Z plane से W plane में, वो आपको दिखाना है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है कि W इक्वल टू Z प्लस 1 माइनस 2i है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको रेक्टेंगल R कैसा बन जाएगा वो आपको दिखाना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक मशीन टाइप समझिए जो किसी रॉ मटेरियल को नया शेप देती है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर दे रखा है। कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन जो यहां पर मशीन है जिसके थ्रू आपको नया शेप बनाना है, वो W इक्वल टू है Z प्लस 1 माइनस 2i। देखिए जरा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोऑर्डिनेट रीजन R के दे रखे हैं जो बता रहा है कि रेक्टेंगल है, और इसको हम सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू को डब्ल्यू की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो है देखें कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। W इक्वल टू दे रखा है Z प्लस 1 माइनस 2i,
डब्ल्यू को लिख सकते हैं यू प्लस आई वी, एंड जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई एंड प्लस का वन माइनस टू आई। रियल पार्ट अलग कर ले, इमेजिनरी पार्ट अलग कर ले, तो यहां पे आ जाएगा यू प्लस आई वी। आई का मतलब आयोटा भी, यहां पर आई आयोटा का मतलब है, इमेजिनरी पार्ट में आई बोले या आयोटा बेटर है तो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वन एंड प्लस का आयोटा बाहर कर ले तो वाई माइनस टू। कंपेयर ऑन बोथ साइड, तो हेयर u इक्वल्स टू आएगा x प्लस वन एंड v इक्वल्स टू आएगा y माइनस टू। अब u की वैल्यू आई यहां पर x प्लस वन और v की वैल्यू आई y माइनस टू। मीन्स अगर x के कोऑर्डिनेट कोई है तो उनकी जो w प्लेन में वैल्यू आएगी वहां से u निकालना पड़ेगा, और अगर y की कोई वैल्यू दे रखी है तो यहां से v निकालना पड़ेगा। अब जरा यहां पर देखें, जब हमारे पास x इक्वल्स टू जीरो है तो u की वैल्यू क्या बन जाती, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x0, y0, x2 और y1। अगर x इक्वल्स टू जीरो है z प्लेन में तो w प्लेन में u की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर x इक्वल्स टू जीरो पुट कर दें तो u इक्वल्स टू आ जाएगा वन। ऐसे ही x की वैल्यू टू दे रखी है तो अगर x इक्वल्स टू टू है z प्लेन में तो w प्लेन में u की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर टू रख दें तो वैल्यू आ जाएगी u इक्वल्स टू 2 प्लस 1 का मतलब 3। मीन्स x कोऑर्डिनेट को हमने u में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे यहां पर अगर y की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास दे रखा है y 0 और y इक्वल्स टू 1। तो अगर y इक्वल्स टू 0 है तो v की वैल्यू आएगी माइनस 2, और ऐसे y बराबर दे रखा है 1 तो y बराबर 1 रख दें तो v बराबर आ जाएगा माइनस 1। मीन्स हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को यू वी में कन्वर्ट कर लिया। एक्स वाई हमारे जेड प्लेन में होते हैं और यू वी हमारे डब्ल्यू प्लेन में होते हैं। अब जरा देखते हैं कि फिगर जेड प्लेन में क्या था और उसको ट्रांसफॉर्म करके हमने डब्ल्यू प्लेन में कैसा फिगर बनेगा। नाउ अब जरा चेक करते हैं जेड प्लेन में कैसा फिगर आपको दे रखा था। तो ये है जेड प्लेन, यहां पर और ये ओ दे रखा है। जेड प्लेन में आप जानते हैं आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। जेड प्लेन में आपके पास दे रखा था एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये लाइन होती है एक्स इक्वल्स टू जीरो, और जेड प्लेन में दे रखा है वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये लाइन होती है वाई इक्वल्स टू जीरो। डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू टू है, एक्स इक्वल्स टू टू यहां पर लिखते हैं, दिस इज एक्स इक्वल्स टू टू, और y इक्वल्स टू दे रखा है 1, तो y इक्वल्स टू ये डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज y इक्वल्स टू 1। तो z प्लेन में ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, जो एक रेक्टेंगल दे रखा था z प्लेन में। अब हम इसको चेक करते हैं कि इस रेक्टेंगल की वैल्यू w प्लेन में क्या कन्वर्ट हो गई। तो कन्वर्ट होके देखें, w प्लेन यहां बनाते हैं, दिस इज w प्लेन और इसको बोलेंगे u और इसको बोलेंगे v और ये हो जाएगा o डैश। तो ये w प्लेन में बनेगा। w प्लेन में देखें, एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि u v की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो थोड़ा सा अलग बना लेते हैं इसको। w प्लेन यहां पर बनाते हैं, ये w प्लेन है, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा और ये o डैश हो जाएगा और इसको बोलेंगे w प्लेन। तो आप देखेंगे W प्लेन में जो वैल्यू आ रही, Z प्लेन में ये रिक्टेंगल था, यही रिक्टेंगल जब W प्लेन में बन रहा है तो U इक्वल्स टू स्टार्ट टू 1, U 1 से स्टार्ट हो रहा है, U 3 पर खत्म हो रहा है। V की वैल्यू माइनस 1 से माइनस 2 तक जा रही है, तो निगेटिव पार्ट सबसे पहले बनाएंगे, एक लाइन बना लेंगे V इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि निगेटिव पार्ट है यहां पर, ये माइनस 1, ये माइनस 1 जाएगा और यहां तक आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस 1 से माइनस 2 तक जा रही है। फिर u इक्वल्स टू 1 है तो u इक्वल्स टू हमारे पास ये हो गई लाइन u इक्वल्स टू 1, और u इक्वल्स टू 3 तक जा रही है, तो u इक्वल्स टू 1 से लेकर u इक्वल्स टू 3 तक जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो रिक्टेंगल जेड प्लेन में था, रिक्टेंगल तो सेम उसी टाइप का है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। यहां पर ओरिजिन से अटैच था, ये थोड़ा ओरिजिन से अलग दिख रहा है,
तो इसी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसलेशन टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है और यही जेड प्लेन की इमेज डब्ल्यू प्लेन में होगी। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हम लोग एक्स वाई की वैल्यू को यूवी में कन्वर्ट करते हैं और जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में दिखाते हैं कि कैसा ये कन्वर्ट होके बनेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन है उसे सिंप्लीफाई करें। फाइंड द इमेज ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द इमेज ऑफ 2x माइनस प्लस का y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू z प्लस 2y। कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कह रहा है इसकी इमेज बताइए अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू z प्लस 2y। तो मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक मशीन समझिए, एक शेप दे रखा है उसको ये z प्लेन में दे रखा है, इस मशीन के थ्रू w प्लेन में शेप कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वही हमें यहां करके दिखाना रहता है। देखें जरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि w में u और v होते हैं, z में x और y होते हैं, तो u और v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y आपको निकालनी है। हेयर आपके पास दे रखा है w इक्वल्स टू z प्लस 2y। कह रहा है ये जो इमेज है फाइंड द इमेज ऑफ दिस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जेड प्लेन में लाइन की इक्वेशन है। कह रहा है डब्ल्यू प्लेन में इसकी इमेज क्या बनेगी, इस लाइन की इमेज क्या बनेगी डब्ल्यू प्लेन में, वो आपको निकाल के दिखाना है। मींस एक्स और वाई की वैल्यू को आपको यू और वी में कन्वर्ट करना है और दिखाना है कि उसके बाद ये क्या बनेगी। जेड प्लेन में तो लाइन है लेकिन डब्ल्यू प्लेन में क्या होगा ये आपको निकाल के दिखाना है। तो इसलिए एक्स के टर्म्स में आपको यू और वी की वैल्यू निकालनी। तो W इक्वल्स टू होता है U प्लस आई वी, दिस इज इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू होता है, Z की वैल्यू होती है X प्लस आई वाई एंड प्लस का 2y। U प्लस आई वी या आयोटा V को लिख सकते हैं X एंड प्लस, यहां से बाहर कर लें आयोटा बाहर कर लें तो आएगा Y प्लस 2। यहां पर आप देख रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट हो गए हैं। हेयर आप देखें तो U इक्वल्स टू है x एंड v इक्वल्स टू है y प्लस 2। तो v की वैल्यू है y प्लस 2, यहां से y इक्वल्स टू लिख सकते हैं v माइनस 2 और u इक्वल्स टू x है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू u हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू x की वैल्यू यहां u दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है v माइनस 2, क्योंकि हमें इसकी इमेज w प्लेन में चेक करनी है कि क्या होगी। तो नाउ आपके पास दे रखी गिवन, आपके पास गिवन इक्वेशन दे रखी लाइन की 2x प्लस y माइनस का 3 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट x को u में और y को v में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 2u एंड प्लस का v माइनस 2, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास थी v माइनस 2 एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2u प्लस का v और माइनस का 5 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करें तो 2u प्लस का v माइनस का 5 बराबर 0। आप देख रहे हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u प्लस का v इक्वल्स टू 5। तो आप देख रहे हैं कि पहले भी इक्वेशन ऑफ लाइन थी जेड प्लेन में, आगे भी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई इन डब्ल्यू प्लेन में। यही रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मीन जो लाइन की इक्वेशन थी
वो ऑलरेडी कन्वर्ट होके लाइन की इक्वेशन आ गई इन डब्लू प्लेन, तो यही रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यही पूछ रहा था कि इसकी इमेज क्या बनेगी, तो यही रिक्वायर्ड इमेज हो जाएगी दिस लाइन की, तो ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा ध्यान से देख लें, समझ से करें, तो आसानी से इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन, और इसके भी अलग अलग पॉइंट हैं, बट उन पर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।